जलसखी को लेकर कुछ नई अपडेट आई हुई है, न्यूज़पेपर में निकली थी, तो मैंने सोचा आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के एक बार फिर से कार्य फिर से शुरू हो गया है और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है जल सखियों को साथ लेते हुए जल की जाँच का कार्य शुरू किया गया है। क्या कुछ है न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जल सखी गाँव में जाकर करेंगी पेयजल की जांच। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत गाँवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जी हाँ, 5 जल सखी ने पानी टेस्टिंग का काम किया था, वो तो किया था टंकी बनने के लिए। अभी फिर से एक बार जल की जो जाँच का कार्य जल सखियों से करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से गाँव को ये बताया जा रहा है कि जो दूषित जल होता है उसको पीने से बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, साथ ही शुद्ध और दूषित पानी की पहचान आपको कैसे करनी है, इसके बारे में जानकारी गाँव में दी जा रही है। तो जो जल सखियां पानी जांच के लिए रखी गई थी उन्हीं के माध्यम से ये सब गाँव में चलाया जा रहा है कार्यक्रम, और इसके लिए गाँव में जल सखियों को नियुक्त किया गया है। जल जीवन मिशन से मास्टर ट्रेनर राजेश वर्मा ने राधा देवी, यहाँ पर लखीमपुर खीरी की बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो गाँव में जाकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए प्रेरित किया है। टीम ने ग्रामीणों को पानी की जाँच करके भी दिखाई है। राजेश वर्मा ने यहाँ पर बताया है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, और यदि पानी में आयरन रिजेंट है तो गुर्दा में पथरी जैसी बीमारियाँ लोगों को हो जाती हैं। टीम ने कई ग्रामीणों के घर में लगे नलों का पानी लेकर जांच की है, साथ ही पानी को उबालकर ठंडा करने के बाद पीने की सलाह दी है। इस दौरान टीम के सदस्य और ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो जल सखियों को एक काम दिया गया है पानी जांच का, गांव-गांव जाकर के पानी जांच करनी है और उससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में गाँव के लोगों को जागरूक करने का कार्य दिया गया है। और साथ ही जल जीवन मिशन की जो कंपनियाँ हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनाने का काम जिन कंपनियों को दिया गया था, उन कंपनियों से अब जो स्कूल हैं गांव में उनका भी कार्य कराया जाएगा। इन विद्यालयों में विज्ञान कंप्यूटर की नई लैब बनेगी, बच्चे लैब में ही गणित के गुण भी सीखेंगे, स्मार्ट क्लास होंगे, मिड डे मील के लिए डाइनिंग सेट भी बनेगा, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त स्थल पर सपोर्ट ग्राउंड भी होगा। स्पोर्ट ग्राउंड के साथ ही स्कूल की नई चार दीवारी और नए कक्ष भी बनेंगे। पहले चरण में विंध्य बुंदेलखंड के विद्यालयों में एक एक विद्यालय का चयन किया गया है, अन्य स्कूलों के चयन भी की प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही साथ जो है जल सखियों को ये भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो बारिश का जल होता है उसे कैसे आपको सुरक्षित करना है, कैसे एकत्र करना है, क्योंकि गाँव में जो तालाब होते हैं और अमृत सरोवर बनवाए गए हैं तो पानी के जो वर्षा का जल पानी है उसको कैसे आपको सुरक्षित करना है, सब ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, समूह से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ में। आपको कुछ पूछना है समूह से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, नई से नई अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।